सलीमा और आज सिर्फ हम दोनों ही हैं। यार सरप्राइज है, सारे के सारे लोगों ने छुट्टी मारी और आज हम दोनों ही आए हैं और आप लोगों के लिए एंड स्पेशली इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी गेस्ट पे रिएक्शन दे दो, उस पे रिएक्शन दे दो। हमने कहा यार फिर आज तो मिस ही नहीं कर सकते, आज तो आना ही पड़ेगा। सो हम आज हम आपके लिए लेके आए पंजाबी सॉन्ग तेरी गली और इसमें है आसिम, है आसिम याद है ना आसिम बिग बॉस। अच्छा वो आसिम तुम सारे तेरे दिखा गए चल अच्छा है अच्छा मुलाकात फिर हो ना हो इकरार करना पड़ता है, पूरी उम्र भी कयामत का इंतजार करना पड़ता है। नानी माँ तुसी एने दिना तो कुछ लिखी जाने और सुनांदे हैं नी। पुत एक कहानी बहुत लंबी आ, तेनू सुनदे सुनदे नू नींद आ जानी आ। नानी माँ तुसी सुनाओ, आज मैं कुछ सुन के ही सोवांगी। चंगा सुन फिर। मम्मी आ सारे सामान लेके किथे जा रहे हैं? आपा नु लाहौर छड़ के जाना पैना थी, देश दी वंड हो गई है। की नानी
अंत कहानियां दा हुंदा, ख्यालां दा नहीं। काश मैं उस दिन ओदे ना गई हुंदी, तां अज मेरे ख्याल भी साड़ी कहानी बने होने सी। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जैसे हम बुजुर्ग से पूछते हैं हम लोग कि वो बोलते हैं कि हाँ अगर मैं उस टाइम पर होता तो मैं कर लेता, पर मैं नहीं कर पाया। तो एक वो नहीं कर पाया है ना, थोड़ा वो रहता है कि यार काश थोड़ा और एक स्टेप उठा लेता तो आई थिंक मैं अपने यंग एज में वो चीज़ कर लेता और आज इस टाइम पर मुझे पछतावा नहीं हो रहा है। वेल ये तो आजकल अभी भी चल ही रहा है, यंगस्टर में भी चल रहा है, इवन या सबकी लाइफ में ऐसे ही चल रहा है, काश पहले ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो यानी कोशिश करो कि ना पहले से उसी टाइम सोच ले करो, डिसाइड किया करो, ताकि आगे जाके आप लोग को ऐसे बोलने की नौबत ना आए फिर। मतलब जो दिल के रहता है ना कि आप खुद सोचते भी हाँ ये सही है, तो अपने लिए कुछ करके दिखाओ कि नहीं यार ये सही है हमारे लिए, तो मैं ही कर रहा हूँ। तो और आई गेस कि गुरु ने नहीं गाया, मतलब प्रेजेंट जत किया गया है और गाया आई थिंक वीर वी करके नाम है, कुछ नाम है और भी कुछ करके नाम आ रहा है इसमें, मान आई नो नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है सिंगर का नाम, हाँ उसमें लिखा हुआ नहीं है, बट बहुत प्यारी आवाज़ थी लड़की की, इनकी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी। अब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना गुरु नानक की है गाना, पर ऐसा नहीं था, उन्होंने उसे प्रेजेंट किया था। एंड खैर हमको गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग थी। लास्ट में जो ट्विस्ट उसने लोगों ने डिफरेंट किया है जिस तरीके से, ओह माय गॉड हमारे चेहरे पे ट्विस्ट कर दिया हमने, यानी हमारा स्माइलिंग वाला फेस तो सैड वाला बन गया। तो खैर गाना बहुत अच्छा था और मतलब लड़की की आवाज़ आउटस्टैंडिंग थी, लोकेशन स्टोरी न्यू स्टोरी थी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत पसंद आई। और गाइस इस तरह से आपको हमारा रिएक्शन भी पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।